सर, आप ब्रजेंद्र सिंह को किस तरीके का नेता के रूप में देखेंगे कि वो किस तरीके के नेता बने बेटे? ब्रजेंद्र सिंह को मैं ये मानता हूँ, ही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्या वो स्टिल अभी भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. वन इज ही इज वेल रेड एंड यू मे नॉट बी नोइंग ही इज द अथॉरिटी ऑन महाभारत. ओ और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मैंने मिस्टर पुरी हैं, मिनिस्टर हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, वो मेरे को एक शादी में मिल गए थे. तो कहने लगे, भाई चौधरी साहब, आपके बेटे की 20 मिनट की यूक्रेन रूस की लड़ाई पे स्पीच थी लोकसभा में, मेरे 40 इयर्स के मेरे डिप्लोमेटिक कैरियर में मैंने इससे बढ़िया कहीं स्पीच नहीं सुनी. तो वो दैट वे ही इज कॉम्पिटेंट, ही कैन बी प्रूव्ड एज एन असेट टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम. और ये लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट में आप ये मत सोचो कि सारे पॉपुलर लीडर नमस्ते जी नमस्ते जी, ये नहीं, ऐसे भी होने चाहिए दोज हु कैन कंट्रीब्यूट. कोई भी, अब अरुण जेटली जी थे, मैंने खुद देखा है कि पार एक्सेलेंट, यानी लीगल ब्रेन. और ये शशि थरूर, कपिल सिब्बल, पर ये मासेस के लीडर नहीं है. कौन? यही तो मैं कह रहा हूं कि यानी पार्लियामेंट में सिर्फ मासेस के लीडर रहेंगे तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना वही होएगा. जैसे ये कह रहे थे 43% फलाना परसेंट, नहीं, हाँ. इसमें हर किस्म का. अभी अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि ये जो देसी खाना, जो जैसे ज्वार है, बाजरा है, राई है, मिलेट्स जो है, मिलेट्स मिलेट वाला, तो पार्लियामेंट भी मिलेट वाली होनी चाहिए. उसमें हर किस्म का, मैं तो खाता हूँ क्योंकि मैं तो 20 साल से डायबिटिक हूँ ना. अच्छा, तो ये मिलेट भी और थोड़ा सा गेहूँ भी सब. तो पार्लियामेंट इसी तरीके की होती है जी. यही पार्लियामेंट है. इसमें मैं इंग्लैंड गया बहुत दिन पहले, ये बात है 88 की, आनंद शर्मा जो अभी मिनिस्टर थे कांग्रेस में, मैं और वो इकट्ठा एक डेलीगेशन था हमारा. आप हैरान हो गए वहाँ. वो मैंने कहा, भाई आपके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें मेंबर कितने हैं? तो उन्होंने पता नहीं कि 800 से ऊपर, और फिर कहते हैं कि कोई आए ना आए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दैट इज़ ए क्रीम. वो कहते हैं कि जो जिसका जो सब्जेक्ट होता है उस पर आके बोलते हैं. तो पार्लियामेंट में सिर्फ जन प्रतिनिधि, जन भावनाओं को, वो भी हों लेकिन जो गहन विषय हैं उन पे एक्सपर्ट भी होने चाहिए. और मैं ये मान के चलता हूँ कि ब्रजेंद्र सिंह का जो उसका एक्सपीरियंस एज एज ब्यूरोक्रेट और उसकी जो बैकग्राउंड है, ही इज ऑल्सो टू सी दैट हाउ द फार्मिंग कम्युनिटी कैन बी गिवन जस्टिस इन द प्रेजेंट सिस्टम. जो कमेरा वर्ग है, छोटू राम जी ने जिन लोगों के लिए आज से 100 साल पहले वो किया, यानी ही वॉज द ओनली मैन इन द 20th सेंचुरी हु केम आउट विद एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो हैं इस देश में, उनसे पहले किसी, उसके बाद सी राजगोपालाचारी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में लेके गए वही रिफॉर्म्स. तो उन चीज़ों को भी ही इज टू कैरी ऑन दैट थिंग जी. yeah.